नमस्कार, स्वागत है साथियों आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। तो बच्चे अक्सर आप ये पूछते रहते हैं कि ऐप पर कैसे आईडी बनाएं, तो आज हम स्पेशली आपसे बात करने वाले हैं जो आपकी आगामी परीक्षा टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ है, जो झारखंड के विद्यार्थी हैं जिनके लिए हमारा ये जो बैच चल रहा है उसमें कैसे आपको आईडी बनाना है, उसके बाद स्वतः आपको ऐड कर दिया जाएगा। बैच के बारे में तो आपको पता ही है कि पहले से हमारा एक जो लेक्चर चल रहा था टीजीटी पीजीटी का, वह लगभग 500 लेक्चर के साथ आपको पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास मिल ही जा रहा है। प्लस 50 मास्टर क्लास की जो बातें हुई हैं इसमें जो है, 50 मास्टर क्लास कहने का मतलब ये 50 लेक्चर प्लान में इसको बांटा गया है। अब जो लेक्चर होंगे वो एक एक लेक्चर पर 3 से 4 क्लासेस होती होती, यानी लगभग आपको 100 क्लास के आसपास में पूरा का पूरा मास्टर क्लास के माध्यम से पूरा संपूर्ण रिवीजन भी कराया जा रहा है। तो आप सभी बच्चों को तो ये पता ही है बैच के बारे में, बैच जो प्रवेश लेने वाले बच्चे हैं उन्होंने एंट्री हिंदी लिखकर 9415800659 पर व्हाट्सअप कर देना है, और जो झारखंड के विद्यार्थी हैं उनको JSSC हिंदी लिख करके मैसेज करना है। तो हम इस बैच में इसमें इस वीडियो के माध्यम से जो बताने वाले हैं साथियों, आपको ऐप पर कैसे ऐड किया जाएगा उस पर बातें कर लेने वाले हैं। बाकी तो आपको बता दें, क्लासेस जो होती हैं, जो क्लास होंगी वह आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, ये 9415800659, इस व्हाट्सअप नंबर से आपको लिंक जाती है, हर एक क्लास की लिंक जाती है। साथ ही साथ दूसरा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, आपको टेलीग्राम का पेड बैच मिलता है, टेलीग्राम पर भी पेड बैच मिल जाता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसके लिए आप बच्चे बहुत परेशान रहते हो, ऐप को लेकर के आप परेशान रहते हो ना, तो आपको व्हाट्सअप पर भी क्लास मिल रही है, टेलीग्राम पर भी मिली। व्हाट्सअप और टेलीग्राम के अलावा ऐप से एक बेनिफिट ये भी है, जैसे आपका जो टेस्ट होता है वह टेस्ट आप जा करके वहाँ से खुद ही देते हैं, और टेस्ट देने के बाद उसका जो है स्वतः मूल्यांकन आ जाता है, तो उससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, इसलिए भी ऐप ज़रूरी है। तो क्लासेज आपको व्हाट्सअप के माध्यम से, टेलीग्राम के और ऐप के माध्यम से पेड बैच की दी जाती हैं। आइए बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको ऐप डाउनलोड करना है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और आपको जैसे जैसे बताया जा रहा है उसी तरीके से करना है। आपको करना क्या है, आप ये देखिए, आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पर जाइए। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको ये सर्चिंग बॉक्स में जाना है और आपको सर्च करना है SPSHUKLA SP शुक्ला एजुकेट, स्पेस देकर के एजुकेट सर्च करेंगे। ठीक है, ये हमारा ऐप है, और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस पर रेटिंग भी दिया करिए साथियों। आप सभी बच्चे, जितने भी संस्थान के बच्चे हैं, आप सभी इस पर रेटिंग ज़रूर दीजिए, अच्छा सा पूरा 5 में 5 रेटिंग दीजिए, अच्छे से कमेंट करिए, जैसे कि जो नए बच्चे जुड़ते हैं वो जान सकें कि हाँ संस्थान आपके लिए बहुत अच्छा करता है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। देखिए डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा समय लेगा, देखिए इसको डाउनलोड होने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। अब जैसे देखिए आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, अब इसके बाद ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको ओपन करिएगा, बहुत ही मतलब बारीकी से समझिएगा, अक्सर गलती कर देते हो बच्चे। जैसे मैंने पहले ऑलरेडी इसको बनाया था, फिर भी मैं नंबर, मान लीजिए आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, हमने क्या किया 9415800659 नंबर डाल दिया, जैसे ही डाल दिया ये वैसे ही ऑटोमेटिक ले लिया, ये ऑटोमेटिक मान लीजिए आप देख रहे हो कि अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये मुझे अंदर लेके चला जाएगा। तो आप बच्चों को करना क्या है, जैसे ही डाउनलोड करते समय एक चीज़ आपको करना है जो मैं दिखाना चाहता था, नीचे लिखकर आता जो है, एक सेकंड रुकिए मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ, जो है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ गलती बच्चे करते हैं इसको साइन आउट करते हैं। ठीक है, इसको साइन आउट करते हैं और एक दूसरे नंबर से जो है आपको लेकर के बनाते हैं, आईडी दिखाते हैं कि किस तरीके से आप दूसरे नंबर से कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किया कि हमने ले लिया 70 81 70 41 26, ये नंबर ले लिया, लेकिन इसका सिम हमारे पास अभी नहीं है। चलिए, तो एक चीज़ आपको ध्यान क्या देना है वो आप ध्यान दे दीजिए, बाकी मैं इसी को कर लेता हूँ, 9415800659 पर ही ये बना लेता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे ही चले जाइए, आईडी बनाएंगे, जैसे मोबाइल नंबर डालते हैं, आपको बता दूं, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जो है यहाँ पर क्या होगा, मोबाइल नंबर जैसे आप डालेंगे ओटीपी आएगा, फिर ज्वाइन एज अ
पेरेंट्स नीचे लिखकर आता है, तो ध्यान दीजिएगा आपको ज्वाइन एज ए पेरेंट्स नहीं करना है, उसी के नीचे लिख के आएगा लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही आप नंबर डालोगे ओटीपी आएगा, फिर उसके बाद जो है आप अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, फिर नीचे एकदम नीचे आप देखिएगा तो ज्वाइन एज अ, वहीं बगल में ही ज्वाइन एज अ पेरेंट्स लिखेगा, तो आप एज अ पेरेंट्स ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फिर हम यहाँ से जोड़ नहीं पाएंगे, आप अपने बच्चे को उसके माध्यम से जोड़ सकते हैं। इसीलिए नीचे लिख के आएगा लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार फिर से मैं बता दूँ, लिख देता हूँ, ये मैं साइड में लिख देता हूँ, एक सेकेंड लिख लीजिए। जब आप डाउनलोड कर लेंगे ना तो वहाँ पर नीचे लिख के आएगा लेट्स गेट स्टार्टेड। आप ऐसे देखिएगा लेट्स गेट स्टार्टेड लिख कर आएगा नीचे की तरफ, आपको यहां से ओके करना है और ऑल कोर्स करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा, नहीं तो हम आपको ऐड नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप देखेंगे यहां पर हमारे जो कोर्सेज हैं ये पड़े हुए हैं, जो है कोर्सेज आप जा करके बाय कर सकते हैं। डायरेक्ट आप जो बाय किए हैं तो उनका तो ऐड हो गया है ये पूरे, लेकिन आपको यहाँ करना नहीं है। आपको अब बैच आपको कहाँ से मिलेगा ये ध्यान लीजिए, ये होम है, होम के बगल में आप देखिए बैच पे आप देखिए, तो आप जब जाएंगे तो यहाँ पर भावी शिक्षक बैच 2.0 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे जो किसी बैच में नहीं होगा तो वहाँ यहाँ देखिए प्लस करने का आ रहा है, प्लस करने से कोड मांगेगा, ठीक है। तो आप या तो खुद ही यहाँ से संस्थान से आपको कोड बता दिया जाएगा कि क्या कोड डालना है, मान लीजिए जो कोड दिया जाएगा वो कोड डालेंगे, ओके करेंगे तो आपका रिक्वेस्ट आ जाएगा हमारे पास, एक कंडीशन। दूसरा, जैसे ही आपको ऐड कर दिया जाएगा तो जैसे देखिए ये नंबर हमारा दो बैच में ऐड है, एक भावी शिक्षक बैच 2.0 में ऐड है, एक यूपीटेट 2021 में। जैसे मान लीजिए भावी शिक्षक बैच 2.0 में ऐड है तो क्लास कैसे देखना ये भी ध्यान लीजिए, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको बैच डेट स्टार्ट टाइम कोड वगैरह जो दे रहा है, फिर यहाँ से आप ऐसे जैसे मोबाइल में फोटो नहीं देखते वैसे आप अटेंडेंस, फिर आप क्लिक करेंगे आगे बढ़ाएंगे, असाइनमेंट आगे बढ़ाएंगे, आप देखिए अनाउंसमेंट, ये आप देखेंगे टेस्ट आ रहा है। तो जो बच्चे टेस्ट कैसे देना है नहीं समझ पाते हैं, तो जैसे अभी मान लीजिए 31 अगस्त को टेस्ट हुआ था, सपोज दैट ये 31 अगस्त क्योंकि ये टाइम ओवर हो चुका है, हम इसमें टेस्ट में एब्सेंट हो गए हैं, ठीक है। फिर भी आप यहाँ से ऐसे ही जब क्लिक करते तो ये आपका टेस्ट ओपन हो जाता है, क्योंकि ये एक ही दिन के लिए टेस्ट था तो ये ओपन नहीं हो रहा है। जैसे हमने मान लीजिए 31 जुलाई को टेस्ट हुआ था तो ये हम अपना यहाँ से व्यू रिपोर्ट देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में हमने कितना क्या किया है, यहाँ से आंसर हम देख सकते हैं। तो आप देखिए आंसर, आप जैसे ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं ऐसे आप भगाते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे तो वहाँ से आपको प्रश्न दिखता है, ऊपर प्रश्न दिखता है, उत्तर आपको यहाँ नीचे दिखता है, यहाँ से नेक्स्ट करते हुए आप उत्तर देख सकते हैं। तो ये टेस्ट देने वाली तरीका है कि टेस्ट आप किस तरीके से देते हैं। अब उसके बाद आप फिर ऐसे क्लिक कर लीजिए, जैसे आप जो है मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं उसमें फ़ोटो देखते हैं, तो जैसे ही आपने क्लिक किया मान लीजिए ये आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं जिन पर ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं। मान लीजिए आपने भाषा एवं भाषा विज्ञान पर देखा तो देखिए भाषा एवं भाषा विज्ञान पर कितनी क्लासेस हुई हैं, 10, नीचे से स्टार्ट होती है ऊपर लास्ट 10वीं क्लास। आदिकाल मान ने आपने क्लिक किया तो आदिकाल पर आप देख रहे हैं 10 क्लासेस हो चुकी हैं। भक्तिकाल पर आपने क्लिक किया तो भक्तिकाल पर देख रहे हैं कि आप 19 क्लासेस हो चुकी हैं। रीतिकाल पर क्लिक किए तो रीतिकाल पर 14 क्लासेस, यहाँ देखिए दिख रहा है ना टोटल 14 क्लासेस। तो आप किसी भी आधुनिक काल, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास, अध्यायवार टेस्ट, अनिवार्य संस्कृत, समास, काव्यशास्त्र, रस एवं उसके प्रकार, छंद एवं अलंकार, हिंदी पत्रकारिता, विविध आत्मकथा, तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं ना। मान लीजिए जैसे आपने इस पर क्लिक कर लिए, ये आपकी क्लासेस वगैरह पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आप किसी भी क्लास पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से जैसे वहाँ आप मान लीजिए, मैं एक क्लास दिखा दूँ आपको, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास आप मान लीजिए आए, अब आप क्या करेंगे इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको क्लासेस मिल जाएगी। फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आप ऐसे फुल स्क्रीन कर लीजिए। आप इसको भगाना चाहते हैं तो क्लास आगे भगा सकते हैं, पार्टी तो बनती है, ठीक है। देखिए सही था, आज उनको पार्टी देनी पड़ेगी। देखिए यहाँ से आप क्लास बढ़ा सकते हैं, यहाँ से स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, तो आप देख रहे हैं ना कि इस तरीके से आप क्लास जो है कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में है, अगर आप यहाँ से जैसे इसको शेयर करने का प्रयास करेंगे या कुछ करने का स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करेंगे तो तुरंत ये आपको ऐप ब्लॉक कर देगा। तो ऐसी गलती आपको करना नहीं है क्योंकि ये शेयर नहीं होगा। आगे लाइव क्लासेस है, फिर स्टडी मटेरियल, जैसे मान लीजिए जो पीडीएफ हैं, जैसे मान लीजिए आपने पहला चैप्टर देख लिया कि पीडीएफ जो आपका पढ़ाया जा चुका है
उसका पीडीएफ यहां पर आपको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो वो पीडीएफ आप यहां से जा कर के देख सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ भी चीज़ें मिल गई, तो जैसे ये आपका जैसे जो क्लासेस हुई रहती हैं उनकी पीडीएफ्स आपको भेजी जा चुकी है ना, जैसे जैसे जो पढ़ाया गया है उसकी पीडीएफ जा करके आप देख सकते हैं, यहाँ से यही डाउनलोड होगा। व्हाट्सअप पर जो मिलेगा उसको आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये है आपका तरीका जो है कि किस तरीके से आप ऐप के माध्यम से क्लास भी करेंगे, ऐसे भावी शिक्षक बैच 2.0 दिखेगा भी। तो आप सभी आईडी बना लीजिए, ठीक है, आप सभी बच्चे आईडी बना लीजिए। आईडी बनाने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा, जो बच्चे अभी तक जिनका नंबर ऐड नहीं है तो उनको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको कोचिंग का नंबर दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है ना 9415806659 पर आप मैसेज कर दीजिए कि सर मेरा नंबर ऐड नहीं है, मेरा यह बैच है, जिस बैच के लिए भी हैं आपको जोड़ दिया जाएगा। ओके साथियों, तो इस सेशन में मैं केवल आपको ये बताना चाहता था क्योंकि ऐप के लिए बच्चे बहुत परेशान होते, बाकी ऐप से बहुत परेशान मत होइए। आपको समस्त क्लासेस व्हाट्सएप से भी मिल रही हैं और टेलीग्राम से भी मिल रही हैं। पेड बैच की क्लासेस आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जो है माध्यम से लिंक दिया जा रहा है, आप डायरेक्ट यूट्यूब से पेड बैच की क्लास देख सकते हैं। तो बहुत आप ऐप को लेकर के फ्रस्ट्रेट मत होइए, बाकी आप आईडी बना करके ऐड हो जाइए, वहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।